हाँ बोर्ड पे ध्यान देना, हमारा एडजस्टमेंट नंबर कंटिन्यू में 8 है, और एडजस्टमेंट नंबर 8 का क्या है, आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है, हमारे लिए खर्चा होता है एक तरीके से। जैसे कि आपको पता है कि हम अगर मिस्टर ए की बात करें, अगर ऑनर है, अगर मिस्टर ए ऑनर है हमारा, बिल्कुल आसान तरीके से समझो, और ये बिजनेस है, तो आपने प्रिंसिपल अजम्पशन इन सब में देख रखा है कि सेपरेट बिजनेस एंटिटी। इसके अंदर क्या होता है कि ऑनर अलग होता है और बिजनेस अलग होता है। अगर इसने बिजनेस को पैसे दिए हैं, ऑनर ने अगर बिजनेस को पैसे दिए हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इसने कैपिटल इन्वेस्ट किया है। अब ये दोनों अलग अलग है, बिजनेस एक अलग है, ऑनर एक अलग है। अब इसने जब बिजनेस में मान लो 1 लाख रुपए लगाया है, और ये चाहता है कि मुझे इस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट भी मिले, तो ये जो इंटरेस्ट चाहता है कि इसे मुझे इंटरेस्ट मिले, तो वो होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये बिजनेस से डिमांड करेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बिजनेस इसको देगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो देगा जब बिजनेस, तो बिजनेस के लिए माना जाता है ये एक्सपेंस। अगर बिजनेस ने नहीं दिया, और नॉर्मली बिजनेस कभी भी देता नहीं है, ऑनर को सिर्फ एक तसल्ली हो जाता है कि मेरा कैपिटल पहले 1 लाख था और 10% मैं डिमांड कर रहा हूं, तो मुझे 10,000 देगा, तो बिजनेस बोलता है मैं फाइनली दे दूंगा। तो फिर ऑनर क्या बोलेगा, सर ठीक है आप फाइनली मुझे दे दोगे, तो पहले तो मैंने 1 लाख लगाया ही था। किससे बात करी इसने, बिजनेस से। बिजनेस से जो बात करा इसने, क्या बोला कि आपको फाइनली 1 लाख रुपए तो मैं दे दे रखा है मैंने, तो और कितने देने, बोला 10,000 ब्याज का भी। तो बिजनेस क्या बोलता है, ठीक है मेरे ऊपर लाइबिलिटी कितने का हो गया, 1 लाख, और उस लाइबिलिटी का नाम भी कैपिटल ही माना जाएगा। 1 लाख रुपए कैपिटल और 10,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, उसके कैपिटल में एड हो जाएगा। तो एंट्री देखो, एक तो इसके लिए एक्सपेंस है 10,000, तो एक्सपेंस P&L के डेबिट में चला जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल क्या हो जाता है, ऑनर का बढ़ जाता है। यहाँ पे पेमेंट कभी नहीं दिया जाता, सिर्फ एंट्री करते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे एंट्री अगर हम देखें, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्या करना होगा, दो जगह गिवन हो सकता है हमें ये, जैसे कि मैं हर बार इसी तरीके से करता हूँ जाके दिक्कत ना हो। एक हो सकता है ट्रायल बैलेंस में हो सकता है, और अगर मैं ट्रायल बैलेंस की बात करूं, तो ट्रायल बैलेंस की आपको अच्छे से पता है कितनी एंट्री करते हैं, एक। अगर ट्रायल बैलेंस में हुआ तो नेचर जाएगा P&L के डेबिट साइड, P&L के डेबिट साइड जाएगा, बस। ये एक क्या हमारा है, एक्सपेंस। लेकिन अगर एडजस्टमेंट में हुआ तो आपको पता है कि दो एंट्री करना पड़ेगा, और दो एंट्री कहाँ कहाँ लेके जाएंगे हम इसको, एक लेके जाएंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस में, डेबिट साइड यानी टू साइड में, और सेकेंड एंट्री चला जाएगा हमारे एड इन कैपिटल, एड इन कैपिटल जो कि कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। तो एड इन क्या हो जाएगा, हमारा कैपिटल हो जाएगा। और हमेशा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन होगा, अमाउंट भी गिवन हो सकता है, लेकिन इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज भी गिवन हो सकता है। तो परसेंटेज कैसे अप्लाई करेंगे, मान लो आपको पहले से कैपिटल दे रखा है 1 लाख, और क्वेश्चन एडजस्टमेंट में डिमांड करेगा 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसी 1 लाख रुपए पे आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़ेगा। तो ये एडजस्टमेंट नंबर था हमारा 8, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक और एडजस्टमेंट देखते हैं, एडजस्टमेंट नंबर 9, ये है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब क्वेश्चन होता है, सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का नेचर क्या है, बताओ। इनकम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का नेचर क्या होता है, क्योंकि बिजनेस को ऑनर से ब्याज लेना होता है इसमें, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमारा इनकम है। तो ये भी दो जगह गिवन हो सकता है, या तो गिवन हो सकता है हमारा ट्रायल बैलेंस में, गिवन हो सकता है आपका, या गिवन हो सकता है हमारा कहां, एडजस्टमेंट में। अगर मैं ट्रायल बैलेंस की बात करूं, तो ट्रायल बैलेंस में जब गिवन होगा, तो ट्रायल बैलेंस इनकम है, तो इसलिए हम इसे दिखाएंगे तो P&L में, लेकिन दिखाएंगे क्रेडिट साइड। एडजस्टमेंट की बात करें, तो दो एंट्री करेंगे, एक तो हो जाएगा हमारा P&L के क्रेडिट साइड, सेकेंड एंट्री कहाँ दिखाएं सर, सेकेंड एंट्री बैलेंस शीट में होगा, और ये हो जाएगा लेस फ्रॉम कैपिटल। एक तो ये हो सकता है, या पहले हम ड्रॉइंग में ऐड कर दें और फिर जाके क्या करें, उसे
लेस कर दे, अल्टीमेटली इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है, अल्टीमेटली लेस ही होना है, तो लेस फ्रॉम कैपिटल। एडजस्टमेंट नंबर ये था हमारा 9। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3 अभी जो हमने किया था, और 3 के अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो 3 के अंदर एडजस्टमेंट नंबर कौन सा था हमारा,